बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, आज रात को बारिश हुई है। वैसे एक्सपेक्टेड नहीं था वेदर फॉरकास्ट, लेकिन अचानक से बारिश शुरू हुई और माशाल्लाह मौसम देखें क्या ही खूबसूरत मौसम बना हुआ है। और यकीन करें कि बर्ड्स के लिए तो शायद हो सकता है कि ठंडी हवा चल रही हो, लेकिन हमें बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। और आज माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, एक तो काम भी शुरू करवा दिया, मिनी ज़ू का काम शुरू हुआ हुआ है, उसके बारे में भी आपको अपडेट करते हैं। बर्ड्स ओए होए, ये तूफ़ान बड़ा तेज़ आया हुआ है। और माशाल्लाह बर्ड्स भी देखें, अभी ये लेडी एमरेट का पेड़ नया आया कल, ये आपको दिखाता हूँ, मैंने पहले नहीं दिखाया शायद वीडियो में। यहाँ पे तूफ़ान बड़ा तेज़ है, ओए होए होए, नीचे ईंटें गिर रही हैं सारी ना, मौसम में तूफ़ान आया हुआ तेज़, तो सारी जो है ना वो पाइप के साथ मैंने बांधा भी था इसको, लेकिन यह कि ये तारे वगैरह में हेलमेट टूट गए क्योंकि तूफ़ान तेज़ है, हवा तेज़ चल रही है बहुत ज़्यादा। ऊपर से पॉलीथीन शीट भी जो है ना वो सारी, ये जितनी शीट है वो पीछे चली गई है, तो हो सकता है बर्ड्स पे शायद बारिश वगैरह कभी जो है ना वो पड़ने का ख़तरा है। अच्छा अंदर चलते हैं, वो सारे छुप के बैठे हुए हैं अंदर, सारे जितने भी है ना छुप के बैठे हुए हैं अंदर, पिजन इनको बाहर निकालते हैं। ये देखिए जी, ये सारे अंदर घुसे हुए हैं ठंड से बचने के लिए, अभी तक इनको दाना पानी भी नहीं डाला मैंने, कल की थोड़ी सी फीड पड़ी हुई है, अभी ये वाला बर्तन खाली हो गया ये डालेंगे। और माशाल्लाह रेडी को देखें, और रेड गोल्डन ऊपर से ये देखें पॉलीशीट, तीन शीट जो है ना सारी हट गई है, तो बारिश का ख़तरा है कि कहीं बारिश जो है ना इनके ऊपर डायरेक्ट ना पड़ जाए। बहरहाल करेंगे इंशाल्लाह इनका जो है ना वो मैं कोशिश करूँगा किसी तरह जो है ना इनका बर्ड को सेव किया जाए। अच्छा अभी चलते हैं बाहर, एक तो बर्ड्स को करना है डिसइंफेक्ट करने के लिए, और जो लाइसमाइट से बचाने के लिए स्प्रे करना था कि मौसम ठंडा है, फिर किसी टाइम करेंगे तो वो वीडियो बना के आप दोस्तों को बताऊंगा। और बर्ड्स को जो है ना ऊपर वाले बर्ड्स को हवा ठंडी शायद पड़ रही है, इधर से भी ये दरख्त कटिंग करवा दी है। अच्छा बाहर चलते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप, ठीक है, खैरियत है। अच्छा मिनी ज़ू का काम शुरू हो गया माशाल्लाह, और काम की आज जो अपडेट है वो आप दोस्तों को देता हूँ। बहुत अच्छा काम माशाल्लाह चल रहा है अल्लाह के फजल से, हालाँकि बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन जो भाई हैं काम करने वाले वो आ गए हैं, और ये देखें काम भी शुरू हो गया, बकरियों का भी काम चल गया, वो भी चारा वगैरह लेना शुरू हो गई है पत्तों से, तो ये पता नहीं किसकी है, बल ये आ गई है यहाँ पे। ये देखें कितना कचरा निकल रहा है प्लाट में से, पूरा जंगल बना हुआ था। ये देखें, ये देखें, ये भी भाई चढ़े हैं ऊपर, मेरे ख्याल में इसको रस्सा वगैरह बांधे, दरख्त वगैरह निकाल रहे हैं, मैंने जड़ से निकलवाने की कोशिश किया ताकि ना वो बाद में जब मिट्टी वगैरह डालें तो वो सेफ हो जाएगा सारी। ये देखें माशाल्लाह उस्ताद जी, बरकत हो इन्हें लगे हो लगे। अच्छा निकली है कोई मुटी छुटी, निकल आई है नहीं इंशाल्लाह जी बस। अच्छा चलो जी माशाल्लाह, डोरी शोरी डाल दिया है, रस्सा वगैरह भी है, इसको इंशाल्लाह गिराएंगे तो इसके बाद ये मेरे ख्याल में ये फ्रूट वाले पौधे हैं, ये मैंने छोड़ दिया, ये जैपनीज फ्रूट का है, ये वो काले फ्रूट के जो जैपनीज की तरह होता है, हम लोग इसे हम बोलते हैं आम जबान में, ये इसका सेब का, सॉरी अमरूद का है, और यहाँ पे भी अमरूद है, ये है जी खुबानी एप्रिकॉट, तो इस साइड वाले भी दरख्त रहते हैं, ये साइड जो है ना ये रहती है, इसको भी फिनिश करना है ताकि बाउंड्री लाइन जो है ना वो हमारी इजीली बन सके। ये सारा सामान उठा के फिर इंशाल्लाह जो है ना यहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन का सामान वगैरह फेंकवाना शुरू करेंगे, तो पेमाइश करेंगे फिर जगह कितनी बनती है, कितना बड़ा प्लाट है जिसमें हम जो है ना वो कवर कर सकते हैं, कितनी जगह है, तो इंशाल्लाह अच्छा उम्मीद है अल्लाह से, अल्लाह पाक हमारी मदद करें तो एक अच्छा सेटअप जो है ना वो बन जाएगा। तो आप दोस्तों ने दुआ में याद रखना है, इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में मिलते हैं, अब तक की जो अपडेट है आप दोस्तों को बता दी है, दुआ में याद रखिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।